अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइस, ये जो लोगो आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ, ये मुझे आई डिज़ाइन, दिस वीवर रिक्वेस्ट लोगो डिज़ाइन। तो ये मैं किसी की रिक्वेस्ट पे जो है, मैं अपने वीवर की रिक्वेस्ट पे लोगो को डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, और पी प्लस आर को जो है वो आज मैं क्रिएट करूँगा। और अगर आप के जो फेवरेट कलर हैं, जो आप ग्रेडियंट कलर है, अगर इसमें करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिंपल रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, आप लोग को बताऊंगा कि वीवर की रिक्वेस्ट को जो है वो मैं कैसे जो है वो कंप्लीट करने वाला हूं, और कि आप लोग को उस वीवर को दिखाऊंगा कि उनकी जो कंपनी का ये वाला लोगो है उनको कैसे क्रिएट करेंगे। और हर बंदे का अपना अपना जो है वो आइडिया होता है और प्रोसेस होता है, और उनका अपनी मर्ज़ी से वो कोई भी बंदा इसको क्रिएट करता है। सो जो मैं अपने माइंड से इसको जो है क्रिएट करने वाला हूँ, इसकी मैं कॉपी वगैरह नहीं करने वाला, इसको मैं अपने माइंड से जो है वो इसको क्रिएट करने वाला हूँ। आप लोग को फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो गाइस, आप करें वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो को लास्ट में। तो चलिए, आज उनकी व्यूअर की रिक्वेस्ट पर मैं इस लोगों को रेडी करते हैं। तो मैंने अपने जो फेवरेट कलर है जो उनको मैंने पहले क्रिएट किया, और ये मैं अगर यूज़ करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, अगर बाद में इसको चेंज करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। सो गाइस, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइन की मदद के साथ इसको हम जो है वो आज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइन यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पॉलीगॉन की वैल्यू को कम करके इसको यूज करूंगा। अब इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट बेस्ड इन प्लेस, ट्रांसफार्म में जाके इसको रोटेट कर दूंगा। ये जो मैंने सर्कल लगाया इसके मुताबिक ये जो मैंने पॉलीगॉन यूज किया, अब इसको कर दूंगा डिलीट, इसका कोई यहाँ पे वर्क नहीं है। अब इसको सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और ट्रांसफार्म में जाके रिफ्लेक्ट में जाके, तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसकी आपने ये वाली सेटिंग करनी है, वर्टिकल 90 ऑन करके आपने कॉपी पे क्लिक कर देना है। अब मैंने जो फर्स्ट वाली जो आप मैंने लाइंस क्रिएट की थी, अब इसकी वैल्यू को इसको जो है मैं रोटेट करूँगा 0 के एंगल पर। तो गाइस, मेरा ये स्केच रेडी हो गया। आज इसमें मैं अपना लोगो जो है वो क्रिएट करूँगा, रिक्वेस्ट लोगो जो है यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे मैं रहते हुए अब मैं जूम नहीं करता कि अब यहाँ पे रह के मैं आप लोग को बताऊँगा कि इसको आपने कैसे क्रिएट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने शेप टूल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलें आज रेड को कर लेते हैं, ओके, बाद में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले सबसे मैं पहले पी को क्रिएट कर लूँगा, ओके, थोड़ा सा जूम करिए, यहाँ पे रहने देते हैं, और इसको हम कर लेंगे फिल कर लेंगे, बाद में कलर चेंज भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी हमारा जो है वो क्रिएट हो गया, अब हमने करना है आर को क्रिएट। यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे, और अगर आप इसको यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे इसके जो है बिल्कुल ऑपोजिट लाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अगर इसके ऑपोजिट लेके आएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब इसको कर लेते हैं, हम लोग फिल कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। गाइस, मेरा लोगो यहाँ पे जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको मैं करूँगा अनग्रुप, करूँगा अनग्रुप करके इसको जो है दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, पी को और आर को एक साइड पे ले जाऊँगा इसको। एक साइड पे लेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर दूंगा, अब इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसकी आउटलाइन को ऑफ कर देता हूँ।
अगर आपको गाइस लगे इसमें स्पेस ज़्यादा तो आप इसकी स्पेस को फिल भी कर सकते हैं यहाँ। ओके दैट्स गुड। अब इसको एक्सपेंड करेंगे ऑटो ऑब्जेक्ट, इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद इसको पाथ फिल्टर कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसमें अगर आप सिंपल कलर रखना चाहते हो सिंपल रख लें, अगर ग्रेडियंट कलर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने लोगों को कौन सा कलर जो है वो देना चाहते हैं। तो इसको जो है मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक करके इसको बैकग्राउंड के तौर पर जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने बैकग्राउंड जो है वो इस पर क्रिएट की है, ब्लैक कलर की मैंने जो है वो क्रिएट की है, तो ये कितना खूबसूरत और वाजिया नज़र जो है हमें आ रहा है। ये देखिए अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हो सिंपल भी आप रख सकते हो। सिंपल आपने कैसे रखना है आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आप इसको वाइट कर लीजिएगा और इसको आप सैन कलर कर लीजिएगा। एक आपके पास ये है, अगर आप इसको नहीं करना चाहते आप इसको जो है वो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको बैकग्राउंड जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी, आपको वाइट रखनी पड़ेगी और यहाँ पे आप रेड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप इसको ब्लैक कर लीजिएगा। ये भी आइडिया ठीक है, वो भी ठीक है, जो आपका फेवरेट कलर है आप उसको पहले क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकती हैं। तो जो आपको अच्छा लगे तो आप वही कर लीजिएगा इसमें कलर। तो अब गाइस को छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पी और आर को यहाँ पे लिख लिया है। अब आप यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। आई होप कि इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।